जम्मू संभाग में गो तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जब पुलिस इन गो तस्करों को पकड़ने जाती है और उसके बाद पुलिस पर हमले हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस के कई जवान जो हैं वो घायल हो जाते हैं, जिसके विरोध में आज डोगरा फ्रंट शिवसेना जम्मू में जो है वो प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो डोगरा फ्रंट शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने गौ तस्करी करी, उनके समर्थन के अंदर कुछ लोग बाहर आए और वो कहते हैं SHO को वहां से ट्रांसफर किया जाए। क्यों? क्योंकि उन गुजरों ने पुलिस को मारा, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस को 20 टांके दिए और 3 व्यक्ति आज भी अस्पताल के अंदर, हमड़ ब्लॉक के अंदर। घटना विजयपुर के अंदर भी घट गई, घटना बिश्नाह के अंदर घट गई, उधमपुर के अंदर घट गई, रोज घटनाएं घट रही हैं। मैं चेतावनी देने का प्रयास करना चाहता हूं, ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। गौ हमारी माँ है, वो दूध देती है, सबका पालनहारी है, लेकिन गुजर ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन गुजरों के नाम से इन 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 एनिमल्स को यहाँ से लेकर के श्रीनगर ले जाता है, फिर उसका वध किया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबसे पहले ये कानून जम्मू कश्मीर के अंदर पास हुआ, लेकिन LG साहब एक मात्र 700-600 रुपया दे करके वो अपना चलान भुगत रहे हैं। इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करो, जिस गाड़ी के अंदर जाते हैं उसको भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर पकड़ो, ताकि कोई इस तरह की घटना करने का प्रयास नहीं कर पाए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, वो जो लोग उनके समर्थन के अंदर गुज्जर समुदाय के बाहर आए, उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ। अरे भाई, तुम किनका साथ दे रहे हो? तुम कम्युनल टेंशन पैदा करने का प्रयास कर रहे हो। तुम कहते हो महापुरुष जी, अरे है वो महापुरुष, कहाँ है उसकी फोटो? ये महापुरुष है, मैं कह रहा हूं महापुरुष है, पत्थरबाजों को समाप्त करने वाला महापुरुष, उग्रवादियों का नाश करने वाला महापुरुष, जो बाहर से पैसा आता था उसको बंद करने वाला महापुरुष है ये महापुरुष। बत्तर मलाजमे जो उग्रवादियों का साथ देते थे उनको निकालने वाला महापुरुष, आज मैं कह रहा हूं उसको महापुरुष। लेकिन इस तरह की घटना करके तुम लोग कम्युनल टेंशन फैलाने का कोई प्रयास करेगा, मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो यहाँ कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, जो बोइंग स्मगलिंग कर रहे हैं, उनके समर्थन के अंदर जो बाहर आ रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये थे डोगरा फ्रंट शिवसेना के प्रधान अशोक गुप्ता, जो लगातार गो तस्करी के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो लोग गो तस्करी में शामिल हैं उनके ऊपर मामले दर्ज किए हो रहे हैं, लेकिन इनको PSA के तहत 10 लाखों के पीछे जो है वो डालना चाहिए। और उन्होंने कहा कि गुज्जर समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, और वो कह रहे हैं कि वो गो तस्करी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गुजरों के बेस में पशु जो हैं उनकी तस्करी कर कश्मीर घाटी ले जाते हैं, जहां पर उनका वध किया जाता है। अशोक गुप्ता LG मनोज सिन्हा की तारीफ कर रहे हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि एक कानून जो है वो यहाँ पर लाया जाए कि जो भी लोग गो तस्करी में जो है वो शामिल हों या फिर पशु तस्करी में शामिल हों उनके खिलाफ PSA लगाया जाए और उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जाए, अन्यथा ये लोग जो हैं वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। रवि शर्मा UNT जम्मू।